गाइज, मैं आज इस वीडियो में आप उसको बताने वाला हूँ टॉप थ्री एप्लीकेशन, जिस एप्लीकेशन के थ्रू मैं भी क्रेडिट कार्ड टू बैंक में मनी ट्रांसफर करता हूँ। तो वही एप्लीकेशन आपको रिकमेंड करने वाला हूँ ताकि आप सबको कभी भी जो है दिक्कत ना हो इसकी। जैसे देखिए, हमारे फोन में बहुत सारा एप्लीकेशन आपको दिखाई देता होगा, लेकिन मैं कौन सा एप्लीकेशन यूज करता हूँ पर्सनली क्रेडिट कार्ड टू बैंक को मनी ट्रांसफर करने के लिए। जैसे कि एक वीडियो आपको दिखाया था बैंकिंग पॉइंट पे, जो मेरा बैंकिंग पॉइंट यूट्यूब चैनल है, उसने आपको दिखाया था कि भाई हम यहाँ पे 1.5 लाख रुपया निकाला था एक ही बार में। वो कैसे निकाला था आपको पता ही है। तभी इसके लिए हम लोग जैसे कि 1-1 लाख रुपया निकालते हैं, 1 लाख 1.5 लाख 2 लाख ऐसे करके बैलेंस आपको निकालते रहते हैं। जिसमें से हम लोग को जो टॉप थ्री एप्लीकेशन है उसके बारे में आपको रिकमेंड करने वाला हूँ, तो आप सब इस एप्लीकेशन को यूज कर सकते हो। तो वीडियो जो है लाइक कर दीजिएगा, चैनल पहली बार आए तो जो चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा। चलो आपको एप्लीकेशन के बारे में थोड़ा आपको हिंट देता हूँ। तो सबसे पहले नंबर पर मैं रखा हूँ भारत एनएसटी एप्लीकेशन को। भारत एनएसटी एप्लीकेशन इसके लिए पहले नंबर पर रखा हूँ क्योंकि इसमें क्या होता है, फ्री ऑफ कॉस्ट मनी ट्रांसफर होता है, आपको एक भी पैसा चार्ज देने की जरूरत नहीं पड़ता है। लेकिन यहाँ पर कब चार्ज नहीं लगता है, जब आपके पास जो भारत एनएसटी के थ्रू कैश होना चाहिए। इसके लिए आपको लिंक डाल दिया हूँ वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहां से जैसे इंस्टॉल करोगे तो आपको डायरेक्टली जो है 150 रुपया का बेनिफिट मिल जाएगा। ठीक है, यानी फर्स्ट टाइम तो आपको 100 रुपया ही मिलेगा, लेकिन जैसे आप रजिस्ट्रेशन कर लेते हो उसके बाद आपको 150 रुपया मिल जाएगा। यानी जब ट्रांजेक्शन फर्स्ट हो जाएगा तो उसके बाद आपको 150 रुपया का बेनिफिट टोटल 250 रुपया का बेनिफिट आपको मिलता है। तो इस एप्लीकेशन में जो है इजीली क्रेडिट कार्ड टू बैंक में ट्रांसफर होता है। रेंट पर क्लिक करना पड़ता है कि आपको अकाउंट सिलेक्ट करना पड़ता है। उसके बाद जैसे कि हम 1 लाख रुपया ट्रांसफर करते हैं, हालांकि 49 हज़ार के ऊपर आपको पैन कार्ड नंबर मांग रहेगा, तो इसके लिए 49 हज़ार ही कीजिएगा। 49 से करके आप मनी ट्रांसफर करके आपको पैन कार्ड नंबर नहीं डालना पड़ेगा। लेकिन अगर आपको लगता है कि भाई हमको पैन कार्ड नंबर डाल के क्रेडिट कार्ड के बैलेंस निकालेंगे तो आप फिर भी निकाल सकते हो, 1 लाख भी निकाल सकते हो। लेकिन हम 49 हज़ार करते हैं, नेक्स्ट पे क्लिक करना पड़ता है। उसके बाद देखिए यहाँ एक ऑप्शन आपको दिखाई देता हुआ भारत एनएसटी का ऑप्शन, यही इसमें आपको कैश होना चाहिए, जिसका आपको लिंक जब मैं दे दिया हूँ उससे जैसे इंस्टॉल करोगे तो आपको यहाँ पर कुछ कैशबैक देखने को मिल जाए। जैसे आप 10 हज़ार रुपये यानी फर्स्ट में जो आपको मिलेगा ना 100 रुपये कैशबैक, उससे आप 10 हज़ार रुपये फ्री में निकाल लीजिए। जैसे 10 हज़ार निकाल तो फिर आपको 150 निकल जाए बेनिफिट कैशबैक मिलेगा। तो फिर उस 150 को क्या कीजिएगा, फिर से आपको स्क्रैच कर लेना है और 150 से आपको 15 हज़ार रुपया निकाल लेना है। ठीक है, उसके बाद फिर से आपको क्या करना है, दूसरी एप्लीकेशन में इंस्टॉल करना है। इसी तरह से करते करते आपको जो है क्रेडिट कार्ड का बैलेंस निकालना है। तो इस एप्लीकेशन से फ्री ऑफ कॉस्ट मनी ट्रांसफर इजीली हो जाता है। तो फर्स्ट एप्लीकेशन है जो कि फ्री ऑफ कॉस्ट मनी ट्रांसफर होता है, आपको एक भी पैसा इसमें चार्जेस नहीं लगता है। इसके अलावा आपको इसके ऊपर रिवॉर्ड पॉइंट भी मिल जाएगा, जो भी क्रेडिट कार्ड यूज करोगे उसके ऊपर आपको रिवॉर्ड पॉइंट भी मिल ही जाएगा। गाइज, दूसरे नंबर पर मैं रखा हूँ सनापे एप्लीकेशन को। ये एप्लीकेशन भी बहुत बेस्ट एप्लीकेशन है क्योंकि इसमें बहुत सारा जो है ऑफर चलता रहता है। तो अगर हम लोग ऑफर के थ्रू अगर क्रेडिट कार्ड का बैलेंस निकालते हैं तो भाई साहब आपको फ्री में निकल जाएगा। हालांकि आप देखेंगे 1.35% चार्ज रखा गया है, लेकिन यहाँ पर देखें तो आपको 500 रुपये तक का कैशबैक का भी फैसिलिटी रखा गया था। आपका कैशबैक लूटोगे तो आपको क्रेडिट कार्ड टू बैंक का मनी ट्रांसफर फ्री में हो जाएगा। वो कैसे होगा, तो सबसे पहले आपको यहाँ पे एक ऑप्शन आपको दिया गया है यूटिलिटी का ऑप्शन। आपको रेंट पेबल ऑप्शन आपको यहाँ पे यूज नहीं करना है, वो करना ओनली फॉर यूटिलिटी का ऑप्शन। आपको इस पर क्लिक कर देना है, उसके बाद आपको एक और नंबर आपको ऐड कर लेना है। अमाउंट आपको यहाँ पर डालना है 5,000। 5,000 डालने के बाद आपको यहाँ पर देख लीजिएगा एक ऑप्शन आपको दिखाई देता है सेम डेज का। आपको यहाँ पर देखिए आपको क्या करना है, एक वॉलेट बैलेंस आपको दिख रहा है, 200 रुपये हमारे वॉलेट में है। अगर आपको वॉलेट में जितना भी बैलेंस रहेगा आप वॉलेट बैलेंस को थ्रू भी निकाल सकते हो। अगर हम वॉलेट बैलेंस यहाँ पर यूज करेंगे तो भी हमको फ्री में निकल जाएगा, हमको यहाँ पर चार्जेस भी नहीं लगेगा। यहाँ एक ऑप्शन आपको जैसे देखिए यहाँ तीन ऑप्शन मिलता है। सबसे पहले आप देख लीजिएगा, जैसे आप पे पे क्लिक करते हो तो यहाँ आप देखिए T+1, T+2, T+3 और लो दिखाया गया है। ये लो यानी बहुत दिन, आपको 3 दिन का टाइम लग जाएगा। लेकिन अगर आप T1 मतलब 1 दिन बाद, T2 मतलब 2 दिन बाद और T3 मतलब 3 दिन बाद आपके अकाउंट में ट्रांसफर किया जाएगा। तो अगर आप लो सिलेक्ट करते हो तो भाई चार्ज यहाँ पर सबसे कम हो जाता है। यहाँ पर आप अभी रुपये क्रेडिट कार्ड का बैलेंस निकाल सकते हो, वीजा कार्ड निकाल सकते हो, नेट बैंकिंग डेबिट कार्ड के थ्रू भी आप बैलेंस निकाल सकते हो। ये सब कुछ फैसिलिटी अभी यहाँ पे दिया गया है, तो इसको भी आप सब यूज कर सकते हो। ठीक है, लेकिन हम यहाँ क्या करते हैं, T+1 वाला यूज करते हैं। तो यहाँ पर देखिए बहुत सारा फैसिलिटी अभी आपको T+1 में देखने को मिलेगा, यानी पे विथ रिवॉर्ड का भी ऑप्शन दिया गया है, वीजा मास्टर रुपये, इसके अलावा जो अमेरिकन एक्सप्रेस भी क्रेडिट कार्ड है, EMI का भी फैसिलिटी है, डेबिट कार्ड, UPI और नेट बैंकिंग का भी फैसिलिटी यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। इसके नीचे आपको देखेंगे तो वॉलेट का भी फैसिलिटी दिया गया, वॉलेट में वॉलेट 1, वॉलेट 2 और मोबिक्विक का एक अलग से फैसिलिटी इंक्लूड करके दिया गया है। तभी आपको क्या यूज करना है, यहाँ पे रिवॉर्ड वाला ऑप्शन यूज करना है। रिवॉर्ड वाला क्यों यूज करना है, क्योंकि यहाँ पर आपको जितना भी रिवॉर्ड आप जैसे कि फ्लिपकार्ट पर शॉपिंग किए हो तो वो सब बैलेंस आपको यहाँ पर निकल जाएगा इजीली। यहाँ पर आपको एक मोबाइल नंबर डाल के प्रोसेस पे क्लिक कर देना है, उसका एक आपको OTP आ जाएगा, OTP आपको डाल देना है। OTP डालने के बाद आपको ट्रांजेक्शन कुछ सेकंड के लिए जाता है प्रोसेसिंग में, तो वेट कर लीजिएगा। वेट करने के बाद आपका ट्रांजेक्शन यहाँ पर कंप्लीट हो जाएगा। चलो हम OTP का वेट करते हैं, जैसे OTP आएगा, OTP आ भी चुका है, तो OTP आपको यहाँ पर फिलअप करवाना है।
तो उसके बाद देखिए इससे पहले हमको कितना देखा, अगर 5,000 रुपये अगर हम ट्रांसफर करते हैं तो ये 5,000 का 5,000 हमको यहाँ से भी फ्री में हो जाता है, ठीक है। जो कि आपको पता होगा कि अगर आप डेबिट कार्ड यूज करते हैं तो उसके ऊपर होता है एक पे बैक अकाउंट बनता है, वही पे बैक में आपको जितना भी कैशबैक मिला रहेगा ना वो कैश बैक के तहत जो आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मनी ट्रांसफर, जैसे हमको हमारे अभी अकाउंट में है 442 कॉइन है तो उसी से मेरा जो है बैलेंस कटेगा। तो यहाँ पे देखेंगे तो हमको टोटल जो है 4,890 रुपया हमको यहाँ पे जो है सिर्फ कटने वाला मेरे क्रेडिट कार्ड से, हमारे अकाउंट में आने वाला है 5,000 रुपया, यानी 4,890 मेरे क्रेडिट कार्ड से कटेगा। इसके ऊपर भी अर्निंग हमको 50 रुपया का यहाँ पे टोटल हो रहा है, यहाँ पे देखिए लिखा भी गया अर्निंग 50 रुपया लिखा गया, ठीक है। अब इस तरह से अगर क्रेडिट कार्ड टू बैंक को मनी ट्रांसफर करते हो तो इसके बाद यहाँ पर आना है, अपना क्रेडिट कार्ड का नंबर डाल देना है, उसके बाद एक ओटीपी आएगा, ओटीपी डालना है। आपको क्रेडिट कार्ड से सिर्फ 4,890 रुपया ही कटेगा, लेकिन आपके अकाउंट में ट्रांसफर होगा आपको सिर्फ एक बार में 5,000 रुपया ट्रांसफर हो जाएगा। तो आपको यहाँ पे भी फ्री ऑफ कॉस्ट मनी ट्रांसफर हो रहा है, उस एप्लीकेशन में फ्री ऑफ कॉस्ट मनी ट्रांसफर हुआ। और एक और एप्लीकेशन मैं यूज करता हूँ, वो कौन सा एप्लीकेशन है चलो वो भी आपको मैं दिखा देता हूँ गाइज। तीसरा एप्लीकेशन है housing.com। गाइज ये जो एप्लीकेशन है यकीन मानिए भाई साहब एकदम गर्दा एप्लीकेशन है। जिस एप्लीकेशन में आपको फर्स्ट ट्रांजेक्शन इसमें भी फ्री ऑफ कॉस्ट होता है, इसमें भी आपको एक भी पैसा चार्ज देने की जरूरत नहीं पड़ता है, ओनली फॉर फर्स्ट ट्रांजेक्शन, ठीक है। उसके ऊपर आपको जो अगर आपके पास जैसे कि 1 कार्ड रहेगा तो आपको फर्स्ट ट्रांजेक्शन करो तो 250 रुपया कैशबैक भी मिल जाएगा। बहुत सारा क्रेडिट कार्ड के ऊपर यहाँ पर भी ऑफर चलता रहता है, तो इसका भी लिंक डाल दूंगा वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। हालांकि सब एप्लीकेशन का लिंक है वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहाँ से आप इंस्टॉल कर लीजिएगा, आपको मिल जाएगा इजीली, आपको कहीं ढूंढने की जरूरत नहीं है, आप वहाँ से इंस्टॉल कर लीजिएगा। फर्स्ट ट्रांजेक्शन के ऊपर यहाँ पर फ्री ऑफ कॉस्ट मनी ट्रांसफर होता है, जितना आपको बैलेंस ट्रांसफर करना है उतना आप इजीली कर सकते हैं, आपको किसी तरह का एक्स्ट्रा चार्ज देने की जरूरत नहीं है, ठीक है। तो चलो हम यहाँ से करते हैं, आपको पेमेंट करके दिखा देता हूँ। तो सबसे पहले इसको मैं एग्जिट कर देता हूँ और एक नया फ्रेश ट्रांजेक्शन आपको करके दिखाता हूँ ये। तो चलो इसी पे मैं कर देता हूँ, पे पे क्लिक कर देता हूँ। पे पे क्लिक करने के बाद कुछ प्रोसेसिंग होगा, प्रोसेसिंग होने के बाद यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पे एक आपको ऑफर के तहत भी मैसेज आ जाएगा आपको व्हाट्सएप पर, जिससे आपको बता दिया जाएगा कि अगर आप फर्स्ट ट्रांजेक्शन करोगे ना तो आपको जो है फ्री ऑफ कॉस्ट हो जाएगा, वहाँ पर मैसेज आ जाता है। यहाँ पर अगर देखेंगे तो मैं 3,000 रुपया अगर यहाँ पर निकालता हूँ तो हमको यहाँ पर सिर्फ कितना चार्ज लगता है पता है, 49 रुपया हमको चार्ज लगता है। 49 रुपया चार्ज लगने के बाद हम क्या कर सकते हैं, उसको हमको यहाँ पे जो है रिवॉर्ड पॉइंट मिलता है, 30 रिवॉर्ड पॉइंट भी मिल जाएगा क्रेडिट कार्ड के ऊपर, तो उसको भी हम लोग यूज कर सकते हैं। इसके लिए आपको रिवॉर्ड पॉइंट का भी बेनिफिट मिल जाता है और दूसरा आपको यहाँ पर अच्छा खासा कैशबैक मिल। यहाँ पर देखिए अगर 3,000 रुपया निकालते हैं तो सिर्फ हमको 49 रुपया ही चार्ज लग रहा है, ठीक है। यहाँ पर भी अपडेट हो चुका है, 49 रुपया हमको चार्ज लगेगा। इसके अलावा आपको यहाँ पे जो है जब आप चेक क्यू एप्लीकेशन के थ्रू क्रेडिट कार्ड का बिल पेमेंट करोगे तो वहाँ पर आपको 30 रुपया कैशबैक मिलेगा और आपको रिवॉर्ड पॉइंट 30 मिलेगा, यानी टोटल 15 रुपये, यानी 4 रुपया में आपको क्रेडिट कार्ड टू बैंक और मनी ट्रांसफर यहाँ पे भी हो जाता है, ओनली फॉर 4 रुपया ही चार्ज लगता है। और फर्स्ट ट्रांजेक्शन फ्री है, फर्स्ट ट्रांजेक्शन आप 10,000 तक मनी ट्रांसफर कर सकते हो, लेकिन आप याद रखिएगा आपको ऑफर होना चाहिए फ्री ऑफ कॉस्ट वाला, तो आप फ्री में कर सकते हो, ठीक है, नहीं तो आपको चार्ज लग जाएगा। अगर यहाँ पर 10,000 रुपये निकालेंगे देखते हैं 10,000 के ऊपर कितना चार्ज लगेगा, तो आपको दिखा देता हूँ। तो अगर 10,000 रुपये मैं अमाउंट अगर डालता हूँ तो उसके ऊपर हमको चार्ज लगेगा 161 रुपये, ठीक है। 161 में आपको जो टोटल 10,000 रुपये यहाँ से मनी ट्रांसफर इजीली हो जाएगा, उसके ऊपर आपको यहाँ पर जो है 100 रिवॉर्ड पॉइंट भी मिल जाएगा, ठीक है। तो इजीली सब कुछ होता है, आपको ज़्यादा बेनिफिट देखेंगे तो बहुत सारा बेनिफिट आपके इस एप्लीकेशन में मिलता है। इसके लिए मैं ये टॉप 3 एप्लीकेशन में इस तीनों एप्लीकेशन को रखा हूँ, अगर आप भी यूज करना चाहते हैं तो लिंक डाल दिया वीडियो को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, एप्लीकेशन को इंस्टॉल कीजिए और क्रेडिट कार्ड टू बैंक में ट्रांसफर कीजिए, जिसमें रुपये क्रेडिट कार्ड डेबिट कार्ड सब कुछ यहाँ पे एक्सेप्टेड है और हर ट्रांसफर के ऊपर आपको कुछ ना कुछ रिवॉर्ड पॉइंट या कुछ ना कुछ कैशबैक आपको जरूर ही मिलेगा। मिलते फिर एक नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।